मी स्मित एंड यू आर वॉचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल. सो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज HDFC बैंक में आ चुकी है नई जॉब वैकेंसीज जहाँ पे ऑल इंडिया कैंडिडेट इन्वाइटेड है अप्लाई कर सकते हैं. आपको कैसे इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा, पोस्ट वाइज क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, कैसे आपको यहाँ पे सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग होने वाली है, सारी चीज़ों को डिटेल में कवर करने वाले हैं. आपने वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना है बिकॉज वीडियो का हर पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है. और HDFC बैंक की जो वैकेंसीज आउट हुई है यहाँ पे आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों ही. किसी तरह की कोई फी पे नहीं करनी है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है. डायरेक्ट आपके यहाँ पे HDFC बैंक में सिलेक्शन होने वाली है. वैकेंसीज इस बार काफ़ी टाइप की आउट हुई हैं. पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी भी आपको बताऊंगी, पोस्ट वाइज सिलेक्शन कैसे होनी है और कैसे आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है, यहाँ पे प्रॉपरली आपको अप्लाई करके भी मैं बताने वाली हूँ. वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो का हर पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है. एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, इसी तरीके से चाहते हैं हर एक जॉब अपडेट, चाहे वो बैंक की वैकेंसीज का हो, SSC, रेलवे या किसी अदर डिपार्टमेंट का, उसकी इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, ताकि जो इसके बाद चैनल पे वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा और आप टाइम पर अप्लाई कर पाएंगे. इवन अपने फ्रेंड्स से पहले भी आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर पाएंगे. तो सारी चीजों को डिटेल में कवर करने वाले हैं. वीडियो को लास्ट तक देखना, प्यारा सा लाइक जरूर करना, आपका एक लाइक मोटिवेट करता है आपके लिए नए नए अपडेट लेकर आने का. और बताना चाहते हो इस रिक्रूटमेंट के अलावा और भी काफी सारे डिपार्टमेंट है जिनकी वैकेंसीज आउट हो चुकी है, सो आप अपनी क्वालिफिकेशन, सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट www.colori.com वहां पे विजिट करके इंफॉर्मेशन लेकर आप लेटेस्ट वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, हमारी जो ऑफिशियल साइट है colori.com जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, विजिट करके इंफॉर्मेशन लेकर आप उन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं. हमारी साइट को आप गूगल पे टाइप करना, आपको पहले नंबर पे मिल जाएगी. जितनी भी रिसेंटली वैकेंसी आई है आप उसको यहीं से चेक करके अप्लाई कर सकते हैं. ज्यादा टाइम ही लेंगे, सीधा बात करेंगे HDFC बैंक की आई हुई बिल्कुल नई जॉब वैकेंसीज के लिए, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. पहले भी मैंने आपको क्लियर किया, कोई आपका यहाँ पे फी पे नहीं करनी है, विदाउट फी आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा. कोई एग्जाम भी आपका नहीं होने वाला, डायरेक्ट आपके यहाँ पे सिलेक्शन होने वाली है, वो भी HDFC बैंक में. ठीक है, सारी चीजों को डिटेल में कवर करते जाएंगे. वीडियो को लास्ट तक आपने जरूर से देखना है, प्यारा सा लाइक कर देना, आपका एक लाइक मोटिवेट करता है आपके लिए नए नए अपडेट लेकर आने का. इसी के साथ बताना चाहती हूँ SBI बैंक की नई वैकेंसीज आ गई हैं, बिल्कुल सीधी भर्ती हैं. और इसी के साथ साथ एक और नोटिफिकेशन आउट हुआ है, वो भी ICICI बैंक की तरफ से. ये दोनों वीडियोस आ रही है हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल मीत शर्मा पे. ठीक है, आपने यूट्यूब में टाइप करना है मीत शर्मा चैनल, ये चैनल आपको मिल जाएगा. यहाँ पे जल्दी जाके आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि ये दोनों वीडियोस आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो जाके सब्सक्राइब आप जरूर से कर लेना. तो ज्यादा टाइम ही लेंगे, यहाँ पे सीधा बात करेंगे HDFC बैंक की वैकेंसीज के लिए, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है. तो यहाँ पे आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकती हैं. नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आया है HDFC बैंक की तरफ से और ये जो वैकेंसीज है ऑल इंडिया जॉब लोकेशन है. नोटिफिकेशन आउट हो गया है, ऑल इंडिया मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं. मतलब क्या कि आपको आपके नियर बाय ही बैंक में यहाँ पे जॉब मिलने वाली है और परमानेंट आपकी जॉब रहने वाली है. अगर यहाँ पे एज लिमिट की बात करें, मिनिमम 18, मैक्सिमम जो है आपकी 48 के अराउंड भी है, तब भी आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई एग्जाम भी नहीं है. डायरेक्ट आपकी सिलेक्शन होने वाली है, वो भी आपके फेवरेट बैंक HDFC बैंक में. तो अप्लाई इसके लिए जरूर से करना है. सारी चीजें मैं आपको डिटेल में यहाँ पे समझाते चलूंगी. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करें वैकेंसी कौन कौन सी है. यहाँ पे काफी टाइप की वैकेंसी है, जिसमें जो पहली पोस्ट है देखिए वो है आपकी पर्सनल बैंकर के लिए. ठीक है, नेक्स्ट है आपकी रिलेशनशिप मैनेजर RRB के लिए, उसके बाद रिलेशनशिप मैनेजर की फाइनेंस के लिए अलग वैकेंसीज है. ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट की अलग है, जिसके लिए भी आप इंटरेस्टेड आप अप्लाई कर सकते हो. उसके बाद प्रोसेस एग्जीक्यूटिव की है, रिस्क मैनेजर RM सर्विसेज की है, सेल्स मैनेजर कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ट्रेड सेल्स मैनेजर की यहाँ पे वैकेंसीज है. उसके बाद यहाँ पे सेल्स मैनेजर फाइनेंस के लिए वैकेंसीज है, सेल्स मैनेजर रिकवरी के लिए है, सेल्स मैनेजर फॉरेक्स की है, प्रोजेक्ट मैनेजर, एरिया कलेक्शन मैनेजर, आउटरीच मैनेजर, ऑथराइजर की वैकेंसीज है. नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें आपकी जो वैकेंसीज है ब्रांच सेल्स मैनेजर और एरिया सेल्स मैनेजर की हैं. इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसीज है, सीधा ऑफिशियल साइट पे चल के आपको दिखा भी देती हूँ और वहीं पे आपको बताती हूँ पोस्ट वाइज क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसे सक्सेसफुली आपको अप्लाई कर लेना है.
वो भी आपको ध्यान से यहाँ पे समझना है, ठीक है, कैसे अप्लाई करना है। अभी यहाँ पे लास्ट में आपको रिक्वायर्ड लिंक मिल जाते हैं, ये पहला लिंक आपको मिलता है अप्लाई ऑनलाइन का, सेकंड आपको यहाँ पे लिंक मिल जाता है नोटिफिकेशन का। यहाँ पे हर एक क्वालिफिकेशन वाइज वैकेंसीज आ गई है, हर कोई अप्लाई आप में से कर सकते हैं। ये लास्ट वाले जो दो लिंक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इस मंथ की जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसीज आई हैं 8th, 10th, 12th से ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आईटी की, मतलब 8th टू ग्रेजुएट डिप्लोमा आईटी सबकी वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, तो आप चेक करके अप्लाई कर सकते हैं अदर वैकेंसी के लिए। अब एचडीएफसी बैंक के अप्लाई करने के लिए हमें पहले लिंक पे क्लिक करना है, क्लिक करके हम सीधा आ जाएंगे इनके ऑफिशियल साइट पे, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ आपको देखने को मिलती है, लोकेशन जॉब प्रोफाइल। अगर आप अपनी लोकेशन के लिए और वैकेंसीज भी यहाँ पे देखना चाहते हैं तो इधर क्लिक करके अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर लेना, जॉब प्रोफाइल पे क्लिक करके आप वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आप जो प्रोफाइल के लिए आप सर्च करना चाहते हैं। अब यहाँ पे वैकेंसीज देखिए, ऑपरेशंस के लिए भी आउट हुई है, क्रेडिट प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है, टेक्निकल अप्राइजर की वैकेंसीज भी यहाँ पे रिलीज हुई है, और भी बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पे देखिए बिजनेस डेवलपमेंट के लिए हैं, और ऑपरेशंस फ्रंट ऑफिस की वैकेंसीज भी हैं। फ्रंट ऑफिस के लिए भी मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, मैम एचडीएफसी बैंक में वैकेंसीज कब आएंगी, तो फाइनली आ चुकी है फ्रंट ऑफिस के लिए, अलग अलग लोकेशन में ये सारी वैकेंसीज आ गई हैं, ठीक है। टेक्निकल अप्राइजर की है, मैनेजर ऑडिट एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए वैकेंसीज भी यहाँ पे रिलीज हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें क्रेडिट अप्राइजर के लिए है, उसके बाद क्रेडिट अप्राइजर की अलग अलग डिसिप्लिन अलग अलग यहाँ पे लोकेशन वाइज है। अब यहाँ पे लोड मोर पे आपको क्लिक करना है और वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें देखिए वैकेंसीज जो है आपकी कलेक्शन फील्ड ऑफिसर की है, मतलब कलेक्शन डिपार्टमेंट के में भी यहाँ पे वैकेंसीज है आपकी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिकवरी और कलेक्शन ऑफिसर की वैकेंसीज है, रिलेशनशिप मैनेजर रिटेल लैंडिंग के लिए वैकेंसीज है, और ये जो प्रोफाइल है ना इसमें आपकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया की ये अलग अलग लोकेशन की वैकेंसी है, ये इसी के लिए आपको बताऊंगी अप्लाई कैसे करना है ताकि आप में से हर कोई यहाँ पे अप्लाई कर पाए, और सैलरी भी बहुत बढ़िया है और आपके यहाँ पे इंसेंटिव भी मिलने वाला है। उसके बाद क्रेडिट अप्राइजर की, ये भी फ्रेशर्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं, रिलेशनशिप मैनेजर की, अगेन मैंने आपको ये प्रोफाइल बताई ना, ये सारी लोकेशन के लिए अलग अलग आई हुई है, सारी आपको यहाँ पे क्लिक करके लोड मोर पे क्लिक करके देखने को मिल जाती है। मान लीजिए आपने इसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जैसे यहाँ पे क्लिक किया आप सारी डिटेल्स यहाँ पे रीड कर सकते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन डिजायर कैंडिडेट प्रोफाइल में आप सारी चीजों को रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे सारी ट्रेनिंग एचडीएफसी बैंक आपको प्रोवाइड करेगा जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी आपको सैलरी पे की जाएगी। अगेन रिपीट करूंगी, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग बताया ये परमानेंट आपकी जॉब है, हर कोई आप में से अप्लाई कर सकता है, मेल फीमेल दोनों, कोई एग्जाम नहीं है, सीधा सिलेक्शन हो रही है, ठीक है। अब आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, जैसे आपने यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक किया, ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चेंजेस हो गए हैं इनके जो इनका जो पोर्टल है, पहले यहाँ पे क्या था आपको सीधा रजिस्टर करने की ऑप्शन आ रही थी, लॉगिन करके अप्लाई कर सकते थे, बट अब इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा जहाँ पे ये आपको अपना रिज्यूमे अपलोड करने को बोल रहा है, जहाँ पे टाइटल आपको अपना सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपना नेम यहाँ पे लिखना है, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे, इधर आपको कैलेंडर की ऑप्शन मिलती है, यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जेंडर, ठीक है, मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पे लिखना होगा अपना क्या है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस की आपको नॉलेज है वो आपको बस यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट करते जाना है, इंग्लिश है, हिंदी है, अगर कोई लोकल है वो कर देना है, अगर कोई अदर है तो यहाँ पे क्लिक करके आप अदर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको अपना स्टेट यहाँ सेलेक्ट करना है, ये ध्यान से समझिएगा, इन्हीं चीज़ों को कैंडिडेट इग्नोर कर देते हैं, फिर उनको कॉल नहीं आती बैंक की तरफ से, जैसे बताऊंगी वैसे अप्लाई करना, कॉल आएगी। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, सिटी लिखनी है आपको, सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस बोल रहा है लिखने के लिए, अब मोबाइल नंबर में अपना तो आपने मेंशन कर दिया, कई बार कैंडिडेट सिर्फ अपना ही मेंशन करते हैं, अदर में अल्टरनेट मेंशन नहीं करते, इससे आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्योंकि कई बार आपका जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर है उससे टीम कॉन्टैक्ट नहीं कर पाती है, तो आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर जरूर से मेंशन करना है ताकि आपके फर्स्ट नंबर पर अगर कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है तो सेकेंड नंबर पर डेफिनेटली हो जाए। यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है, ठीक है, कौन से आपके पास सब्जेक्ट है, कौन सी यूनिवर्सिटी से, क्या क्या आपने किया हुआ है, वो सारा आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। अगर कोई आपके रिलेटिव करंटली वर्किंग है एचडीएफसी में, यस लिखे, अदरवाइज आप नो कर देना, अगर वो वर्किंग है उनका नेम आप मेंशन कर सकते हैं,
ठीक है। अगर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने HDFC बैंक के इंटरव्यू के लिए कभी अपेयर हुए हो, ठीक है, कभी आपने दिए, तो आप वो यहाँ पे यस करें, अदरवाइज नो कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल यहाँ सेलेक्ट करनी है अगर आप कहीं वर्किंग थे, अदरवाइज आपको अपना लेटेस्ट रिज्यूमे अपलोड करके इधर टिक करके सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे ना, आपके पास देखिए मेल आ जाएगी HDFC बैंक की तरफ से डायरेक्टली कि आपका सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, हो चुका है। ठीक है, तो आपको जैसे मैंने बताया वैसे ही अप्लाई करना है। और अगर आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्टेड होती है, सीधा HR की तरफ से आपको कॉल आने वाली है रिगार्डिंग वॉक इन इंटरव्यू, उसी के बेसिस पे आपके यहाँ सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग होने वाली है। ठीक है, वॉक इन इंटरव्यू के लिए भी आपको पहले से प्रिपेयर थोड़ा रहना है। ठीक है, जैसे एंट्री लेवल प्रोफाइल की वैकेंसीज है उसमें आपकी सिर्फ HR के साथ इंटरेक्शन हो रही है और डिपार्टमेंट हेड के साथ, बस यही आपका होगा। ठीक है, उसके बाद हमारी जो ऑफिशियल साइट है यहाँ पे लेटेस्ट वैकेंसी जो आई है वो आप चेक कर लेना, जो इसके अलावा आई है। मैंने आपको बताया SBI और ICICI बैंक की वैकेंसीज भी आ गई हैं, वो दोनों वीडियोस आपको मिल रही है हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल आप टाइप कर लेना यूट्यूब में, मीत शर्मा आपको पहले नंबर पर मिल जाएगा, जाके सब्सक्राइब कर लेना। अगर टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया पे पहली बार आए हैं, इसी तरीके से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। अगली वीडियो में मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।